नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ दीपक प्रीत जी के साथ, जो कि एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ दीपक जी के साथ। नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कब आए, कैसे आए। मैं इस फील्ड में जब मैं 6 साल का था तब से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई के साथ म्यूज़िक चलता रहा। तो एम तो यही था कि या तो एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनना या एक अच्छा सिंगर बनना, तो बस धीरे धीरे चलता रहा। तो आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आना है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे मतलब कई कुछ करते हैं कई फील्ड्स में, लेकिन बड़े हो के एक फील्ड चूज़ करना। मैं एक्चुअली जब जहाँ पढ़ता था ना वहाँ पर म्यूज़िकल माहौल था ज़्यादा, तो वहाँ म्यूज़िक जो हमारे को जो सिखाया गया उस हिसाब से फिर ऐसा चलता गया कि एक मतलब कुछ फिर गाने गुने कुछ ऐसे आए, कुछ जैसे चरणजीत आहूजा जी होते थे म्यूज़िक डायरेक्टर, उस समय बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर उस समय के दौर के, उनका कोई भी जो प्रोजेक्ट करते थे वो हिट ही जाता था। उनको सुनना या हिंदी में कोई अच्छे अच्छे कई सॉन्ग्स और उनको सुनते थे, हमारे अंदर भी एक जिज्ञासा जागती थी, यार हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसीलिए फिर उनको सुन सुन के, बड़े लोगों को सुन सुन के धीरे धीरे फिर इस ऐसे प्रेरणा बन के फिर इस साइड आए। आपके पहले कितने प्रोजेक्ट आ चुके हैं? मेरे पहले 3 प्रोजेक्ट एज अ सिंगर आ चुके हैं अभी रिसेंटली 2-3 सालों में। पहले एक तो सॉन्ग आया था जो वैसे ही बैठे बैठे यार दोस्त के साथ मिल के रिकॉर्ड कर लिया, तू मेरी छल्ली मैं तेरा पॉपकॉर्न। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अब फिर मैंने सोचा खुद ही साईं का एक भजन लिखा बोलो साईं राम, और उसके बाद फिर लेटेस्ट आया था साईं की शरण में। ओके, तो आप उनमें से कोई एक हमें कुछ गुनगुना के सुना दीजिए। हाँ जी। दुनिया का था सताया कुछ भी ना समझ पाया, आया शरण में तेरी बने सारे काम। अल्लाह साईं मौला साईं बोलो साईं राम, अल्लाह साईं मौला साईं बोलो साईं राम, अल्लाह साईं मौला साईं बोलो साईं राम। तेरी नजर हो साईं गूंगा कवाली गाए, अंधे पे हो नजर तो वो रास्ता दिखाए, लंगड़े पे की नजर तो घुमा वो चारो दाम। अल्लाह साईं मौला साईं बोलो साईं राम, अल्लाह साईं मौला साईं बोलो साईं राम। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि एज अ सिंगर आपके 3 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, तो उसके अलावा भी आपने मतलब कुछ किया है? हाँ, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ म्यूजिक अरेंजर मैंने काफ़ी दिनों से मैं काम काफ़ी तकरीबन सालों से काम कर रहा हूँ मैं। ओके। तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और एज अ म्यूजिक अरेंजर जो काम कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर खुद का हुआ कि चलो अभी खुद भी गा के देखें, कुछ क्या पता झोली में खैर कब डलने डल जाए। okay. तो अब आप अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी एक माता की भेंट रिकॉर्ड की है और उसकी आज शूटिंग थी शशि फिल्म्स के साथ, जो है करार हुआ है वहाँ से, शशि फिल्म वाले जो है वो उसको रिलीज़ कर रहे हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका क्यों कर रहे हैं। पहले जो 2 प्रोजेक्ट थे वो शुमारू से आए थे, और अभी जो है शशि फिल्म वाले जो है इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसका सारा वीडियो वगैरह सब कुछ वही कर रहे हैं। और वो एक माता की भेंट है और जिसमें सिंगिंग मैं कर रहा हूँ, लिरिक्स जो हैं करमा रोपड़ वाले जी के हैं, और म्यूज़िक महेश वशिष्ठ जी का है, और वीडियो शशि फिल्म जो वो कर रहे हैं। आपने अभी जो माता की भेंट शूट करी है जी, आप उसकी कुछ लाइनें हमें प्लीज गा के सुनाइए। हाँ जी प्लीज़।
तेरे दर ते हाजिरी भरनी एक बार बुला ले तू दाती, तेरे दर ते हाजिरी भरनी एक बार बुला ले तू दाती, हाथ जोड़ बेनती करनी एक बार बुला ले तू दाती, तेरे दर ते हाजिरी भरनी एक बार बुला ले तू दाती। मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ शशि फिल्म्स का, जो मेरा गाना शूट भी कर रहे हैं और इसको रिलीज़ भी करेंगे। और आप सब भी जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत जल्द यूट्यूब पर और कई वर्ल्ड वाइड ये होगा, रिलीज़ होगा, बहुत जल्द ये रिलीज़ हो रहा है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, निवेदन आपसे, कि इसको प्लीज़ जितना भी हो सकता है वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।